हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा आदर सम्मान वाले बने, बड़ों का रिस्पेक्ट करें और अच्छी बातें सीखें, तो देखिए अब टीचर्स डे आ रहा है, तो ये अपने ऊपर ही है कि हम बच्चों को कैसे हम अच्छी अच्छी मैनर्स, गुड मैनर्स सिखा सकते हैं। तो हर साल 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर राधा कृष्ण जी का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधा कृष्ण जी भारतीय विद्वान थे। वो 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। पेरेंट्स बच्चों को सिखाएंगे ये बातें तो खुशी से झूम उठेंगे उनके टीचर्स। आज का हमारा ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक के विषय में हम कुछ बातें करते हैं, कुछ आपस में बातचीत करके हम बच्चों को बहुत अच्छे से आदर सम्मान की भावनाएं सिखा सकते हैं। पेरेंट्स के बाद बच्चे का कोई गुरु होता है तो वह होता है उसका शिक्षक, ये तो सभी को ही पता है। तो पेरेंट्स के बाद बच्चे अपने टीचर से ही सब कुछ सीखते हैं। शिक्षक दिवस के दिन सभी बच्चे अपने शिक्षकों को विश भी करते हैं। हालांकि इस बार स्कूल बंद है, टीचर्स डे ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को घर पर ही इस दिन के लिए बता सकते हैं कि इस दिन की क्या महत्वता है। तो ये सब तो हम बहुत आसानी से बता ही सकते हैं। और देखिए, क्लास में टीचर का अभिवादन करने का बच्चों के माइंड में एक नियम नहीं होना चाहिए, उसको बर्डन नहीं लगना चाहिए, उसको बल्कि भावना अंदर से होनी चाहिए कि हमें टीचर को विश करना है। अपने बच्चे को बताएं कि उसे हमेशा अपने टीचर्स का अभिवादन और सत्कार करना चाहिए। यह सिखाकर आप अपने बच्चे को टीचर्स डे पर बहुत ही बड़ा अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षक को अपने शिष्य से हमेशा सम्मान और सत्कार की ही उम्मीद होती है। कुछ टीचर्स बच्चों के साथ में फ्रेंडली होते हैं और कुछ इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चा डरा सा रहता है उनसे, लेकिन शिक्षक को सम्मान देना जरूरी है। और आपको भी अपने बच्चे को यही सिखाना है कि टीचर्स भी हमारे माता पिता की तरह ही होते हैं। उसे बताएं कि अपने टीचर से हमेशा पोलाइटली बात करें, चाहे बड़े बच्चे हो या छोटे बच्चे। अधिकतर अपने टीचर्स के पढ़ाने के तरीके या डांटने पर एक दूसरे के साथ में गॉसिप करते रहते हैं, जो कि गलत है। बच्चे इतने बड़े नहीं हुए होते हैं कि अपने टीचर्स के बारे में गॉसिप करें। पेरेंट्स होने के नाते इस टीचर्स डे पर अपने बच्चे को समझाएं कि वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ में गॉसिप करना बंद कर दे, क्योंकि उससे इसे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। बच्चों की बुरी आदतों को खत्म करने के लिए पेरेंट्स अपनाएं ये ट्रिक्स। देखिए, आप ये सब ट्रिक्स भी अपना सकते हैं। टीचर्स को स्पेशल फील करवाएं। वो कैसे करवाएंगे? देखो, अभी बच्चे ऑनलाइन स्कूल होने की वजह से अपने टीचर्स को जो है डायरेक्ट विश नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कर पाएंगे, तो इसके लिए आप इस खास दिन पर अपने बच्चे से उसकी टीचर को फोन पर ही विश करवाएं। ये सबसे अच्छा तरीका है ना? आप चाहें तो अपने बच्चे के साथ मिलकर घर पर ही ग्रीटिंग कार्ड बनवा सकते हैं और उन्हें ग्रीटिंग कार्ड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप सबसे इजी मेथड है। पोस्ट वगैरह में तो फिर भी टाइम लग जाता है, तो यकीन मानिए इससे आपके बच्चे के टीचर को खुशी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ बहुत ही स्पेशल भी फील करेंगे वो, है ना? तो ओके, हैप्पी टीचर्स डे, बाय।